जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल अभिज्ञान। मैं अभिषेक तिवारी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस पार्ट 3। सिंपल सेंटेंसेस के सिंथेसिस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था ताकि सारे रूल्स को आराम से 3 पार्ट में हम समझ सकें। तो इसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस पार्ट 3 बाई यूजिंग इन्फिनेटिव, बाई यूजिंग टू और टू, बाई यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जेरंड एंड बाई यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो ये 4 रूल आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम बाई यूजिंग पार्टिसिपल फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ रूल्स हमने सेकंड वीडियो में पढ़े और ये आज का लास्ट वीडियो होगा सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस और इसके अंदर हम सारे रूल्स कवर करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, वो है बाई यूजिंग इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब इन्फिनिटिव क्या होता है, हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी मेन वर्ब के पहले अगर हम टू ऐड करते हैं तो वो हमारी इन्फिनिटिव होती है, यानी टू प्लस भी वन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाया जाता है तो वो इन्फिनिटिव होती है। और इन्फिनिटिव करने से जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है वो हो जाती है नॉन फाइनाइट, वो हमारी नॉन फाइनाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए उस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाती हैं और वो सिंपल सेंटेंस हो जाता है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। एक फाइनाइट वर्ब के साथ एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है लेकिन फाइनाइट वर्ब सिर्फ एक होनी चाहिए। तो जो हमारी इन्फिनिटिव होती है वो नॉन फाइनाइट होती है। 3 तरह से आपको बताया था कि हमारी जो नॉन फाइनाइट होती है 3 तरह की होती है, जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। इसके बारे में हमने कई बार बात की है। और नॉन फाइनाइट क्या होता है, तो जो वर्ब है, जो हमारी मेन वर्ब होती है उसे 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है, जो हमारी वर्ब होती है उसे 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है, एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वे सभी वर्ब होती हैं जिनमें अगर सेंटेंस का हम टेंस चेंज कर दें या फिर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन में चेंज कर दें तो वो चेंज हो जाती हैं, वो होती हैं फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वो वर्ब होती है जिनके सब्जेक्ट के नंबर पर्सन में चेंज करने पर या टेंस चेंज करने पर कोई चेंज नहीं होता है, वो होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब क्लास की वीडियोस देखेंगे तो वहां एग्जांपल के थ्रू हमने अच्छी तरह से समझाया है। जैसे यहां सेंटेंस देखिए, ही केम हियर, ये सेंटेंस का क्या है, पास्ट इंडेफिनेट में है, तो ये जो हमारी वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। अगर इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में करेंगे तो ये हो जाएगी ही कम्स हियर। तो इसमें टेंस परिवर्तन करने पर ये कम से कम हो गया, यानी जो हमारी कम है क्या है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट नहीं, फाइनाइट वर्ब है। तो जो इस तरह की वर्ब्स होती हैं वो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, नॉन फाइनाइट में चेंज नहीं होता है, उसे भी हम आगे समझ लेंगे। तो यहां देखिए, ही केम हियर, ही साइन द पेपर, इसको ना हम एंड के साथ ऐड कर सकते हैं ना ही नाउन और फ्रेज लेके इसे हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस, जब दो या दो से अधिक इस प्रकार के सेंटेंस दिया गया हो कि पहले सेंटेंस में जो कुछ कार्य हो उसका रीजन यानी उसका एम, उसका लक्ष्य, उसका गोल दूसरे सेंटेंस में बताया गया हो, तो इस तरह के 2 सिंपल सेंटेंस को ऐड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। कैसे, ही केम हियर, वो यहां आया, ही साइन द पेपर, किस लिए आया था, पेपर साइन करने के लिए, यहां एम हो रही है। हम सिंपली बोल सकते हैं कि एक सेंटेंस में जो भी कार्य किया गया हो दूसरे में उसका एम बताया गया हो। हम कैसे बनाएंगे, तो जिस सेंटेंस में एम होता है उसकी जो हमारी वर्ब होती है उसे नॉन फाइनाइट के इंफिनिटिव फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, और जिस सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है उसे हम एज इट इज लिखते हैं। तो ही केम हियर, ही साइन द पेपर, यहां इस सेंटेंस में हमें एम देखने को मिल रहा है, यानी इसको हम इंफिनिटिव में चेंज करेंगे, इसे एज इट इज लिखेंगे। यहां लिखेंगे ही केम हियर, अगर हम इसे एंड से जोड़े, एंड ही साइन द पेपर, तो यहां साइन क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है, इसके भी फॉर्म में चेंज होता है, और यहां कैम ऑलरेडी एक फाइनाइट वर्ब यूज हुई, इस तरह 2 फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, हम इंफिनिटिव में चेंज कर लेंगे, ही कैम हेयर टू साइन द। तो यहां पर अब ये टू साइन जो है वो नॉन फाइनाइट बन गई है, ही केम हेयर टू साइन द पेपर, अभी एक हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। अभी नॉन फाइनाइट में हमने आपको बोला था कि इसके फॉर्म में चेंज नहीं होता, ये समझते हैं। तो यहां देखिए, ही केम हेयर टू साइन द पेपर, ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसका टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, केम है। लेकिन अगर इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में चेंज कर दें, यहां कम
अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में चेंज करेंगे तो ये जो है ये चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी यहां पर कम्स, ही कम्स हेयर टू साइन द पेपर, लेकिन टू साइन द पेपर के फॉर्म में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, ये चेंज नहीं होगा, ही कम्स हेयर टू साइन द पेपर। वही अगर यहां पर कम्स होता है, अगर सब्जेक्ट के नंबर है पर्सन को चेंज कर दें, यहां पर ही की जगह यू कर दें, तो यहां कम्स की जगह कम हो जाएगा, यू कम हेयर टू साइन द पेपर। तो यहां पर भी जो हमारी कम है वो फाइनाइट वर्ब है, इसके फॉर्म में चेंज हो रहा है, लेकिन टू साइन यहां टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसके फॉर्म में बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये नॉन फाइनाइट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई विल गो टू जयपुर, ही विल सेटल द मैटर। यहां टू देख के आप कंफ्यूज नहीं होएगा, ये नाउन के पहले टू लगा है, जबकि जो हमारी इंफिनिटिव होती है उसमें वर्ब के पहले टू लगता है। तो आई विल गो टू जयपुर, एम क्या है, क्यों जाओगे जयपुर, तो वो है आई विल सेटल द मैटर, यानी इसको हम किस में चेंज करेंगे, इंफिनिटिव में। तो इस सेंटेंस को तो पहले वैसे ही लिखना पड़ेगा, तो इसे हम लिखेंगे आई विल गो टू जयपुर। अब यहां से सब्जेक्ट और वर्ब को हटा देंगे और बाकी के पार्ट जो हमारा बचेगा उसे लिखेंगे, और जो वहां फाइनाइट वर्ब होगी उसे हम चेंज कर देंगे इंफिनिटिव में। सेटल के पहले हम लगा देंगे टू सेटल द मैटर। तो इस प्रकार ये जो टू सेटल है ये किसमें चेंज हो गई, इंफिनिटिव में। अब यहां पर एक फाइनाइट वर्ब हो गई, यहां पर एक फाइनाइट वर्ब हो गई, और यहां एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई जो कि इन्फिनिटिव है। तो इस तरह जब दो सेंटेंस या उससे अधिक सेंटेंस दिए गए हो, उनमें उनके बीच केज इफेक्ट का संबंध हो, कारण परिणाम का संबंध हो, या फिर ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में जो भी कार्य हो रहा है दूसरे सेंटेंस में उसका लक्ष्य बताया गया हो, उसका एम बताया गया हो। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन वो क्या है। तो हमें नेक्स्ट कंडीशन है बाय यूजिंग टू और टू, इसका यूज कई बार हम देखते हैं, टेंथ स्टैंडर्ड से ही शुरू हो जाता है, इलेवेंथ और टू में भी आता है, इस तरह के सेंटेंस को ऐड करने के लिए हमें आता है। तो सिंपल सेंटेंस दिए रहते हैं और टू का यूज करके दूसरा सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। तो ये प्रक्रिया हम कब अपनाते हैं, जब ऐसे सेंटेंस दिए गए हो जिनमें से एक सेंटेंस में कार्य ना होने का कारण दूसरे सेंटेंस में बताया गया हो, यानी पहले सेंटेंस में कोई भी कार्य ना हो रहा हो और वो क्यों नहीं हो रहा है उसका रीजन दूसरे सेंटेंस में बताया गया हो, तब हम टू और टू का यूज करते हैं। जैसे यहां देखिए, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक, यहां क्या है, वो चल नहीं सकता, और इसका कारण यहां बताया गया, ही इज वेरी वीक, क्योंकि वह बहुत कमजोर है इसलिए वह चल नहीं सकता। दूसरा सेंटेंस है, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फीस, वह बहुत गरीब है इसलिए अपनी फीस नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार हम टू और टू का यूज करते हैं, इस वेरी को हम टू से रिप्लेस कर देते हैं, और जो हमारी दूसरी वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब होती है उसके पहले हम टू लगाते हैं। इस प्रकार वर्ब के पहले टू लगाने से वो भी इंफिनिटिव ही बन जाती है, यानी नॉन फाइनाइट हो जाती है। तो ही इज वेरी वीक, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, ही इज टू वीक। बाकी ये जो सेंटेंस है इसका ये इतना पार्ट हम निग्लेक्ट कर देंगे, और यहां जो वॉक है उसके पहले हम टू लगाएंगे और वॉक। तो यहां भी वॉक एक वर्ब है लेकिन इसके पहले टू लग चुका है, तो ये अब फाइनाइट नहीं नॉन फाइनाइट वर्ब बन चुकी है, और इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब भी है। और सिंपल सेंटेंस की शर्त क्या कहती है कि सेंटेंस के अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो ही इज टू वीक टू वॉक। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, हम उसे भी कर सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फीस, यहां भी बताया गया कि वह बहुत गरीब है इसलिए वो फीस पे नहीं कर सकता। तो यहां करेंगे ही इज टू वीक, टू पे हिज फीस। तो इस तरह टू और टू का और इन्फिनिटिव का यूज करके हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। एक दो कैटेगरी और बची है, आइए उसे भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह सिंपल सेंटेंसेस का जो सिंथेसिस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब सिंथेसिस की हम अपनी लास्ट दो कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं। एक है यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जेरंड, एंड सेकेंड है यूजिंग नॉमिनेटिव कंस्ट्रक्शन या नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। बस
इन दोनों को क्लियर करते हैं और सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यूजिंग प्रेपोजिशन विथ नाउन और जेरंड, अब इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब दो इस तरह के सेंटेंस दिए गए हो जिनमें कारण प्रभाव का संबंध हो, यानी केस इफेक्ट। कैसे? ही वॉज रेस्टिकेटेड, ही हैड ब्रोकन द स्कूल विंडो। ही वॉज रेस्टिकेटेड क्या है? परिणाम है। ही हैड ब्रोकन द स्कूल विंडो, ये क्या है? उसका केस है, यानी उसे रेस्टिकेट किया गया था, एक परिणाम हो उसे रेस्टिकेट कर दिया गया। क्यों रेस्टिकेट किया गया? क्योंकि उसने स्कूल की खिड़की तोड़ी थी। तो स्कूल की खिड़की तोड़ने के कारण परिणाम यह हुआ कि उसे रेस्टिकेटेड कर दिया गया। तो इस तरह के जब सेंटेंस हो तो उनमें हम दूसरे, जो हमारा दूसरा सेंटेंस होता है उसकी जो वर्ब होती है उसे हम जिरंड फॉर्म में चेंज कर लेते। ध्यान रखिए, जिरंड भी नाउन ही होती है, बस इसके फॉर्म में थोड़ा परिवर्तन होता है, V1 प्लस ING, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, वो पार्टिसिपल भी हो सकता है लेकिन जब ये नाउन की तरह कार्य करे तो जेरंड कहलाता है। ठीक है, तो ही वॉज रस्टिकेटेड, ही हैड ब्रोकन द स्कूल विंडो। तो जिस सेंटेंस में रीजन दिया गया हो, केस दिया गया हो, उसकी वर्ब को हम चेंज कर लेते हैं जेरंड में और उसके पहले हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जेरंड के साथ ज्यादातर यूज होने वाला प्रीपोजिशन 4 है, इसके अलावा ऑन और कुछ भी प्रीपोजिशन यूज होते हैं लेकिन सर्वाधिक 4 का ही यूज किया जाता है। तो he was investigated, he had broken the school window, तो जिसमें रिजल्ट होता है, केस का इफेक्ट होता है, उसे हम एज इट इज लिखते हैं और जिस सेंटेंस में केस बताया जाता है, कारण बताया जाता है, उसको हम जेरंड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हम लिखेंगे ही वॉज रेस्टिकेटेड। अब यहां जो हमारी ब्रोकन है, यानी ब्रेक क्या है, अभी ये हमारी फाइनाइट वर्ब है तो इसे हम चेंज करेंगे जेरंड में, और जेरंड क्या होती है? नॉन फाइनाइट। अभी हमने आपको बताया कि जो नॉन फाइनाइट होती है तीन तरह की होती है, जेरंड, पार्टिसिपल और इंफिनिटिव। तो ही वॉज रेस्टिकेटेड। अब यहां जो ब्रोकन है, ब्रेक है, इसे हम जेरंड में चेंज करेंगे और उसके पहले हम क्या लगाएंगे? फॉर। तो ही वॉज रेस्टिकेटेड फॉर ब्रेकिंग द स्कूल विंडो। अब यहां ब्रेकिंग, ध्यान रखिएगा, ब्रेकिंग जब हम कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो हम वर्ब के रूप में होती है लेकिन उसके पहले कभी फोर नहीं यूज होता है, यानी वर्ब के पहले कभी भी हम ये प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। प्रीपोजिशन कहां लगता है? नाउन के पहले या ही लगता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले ही हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। यहां ब्रेकिंग जो है क्या है? हमारा जेरंड है, और जेरंड क्या होता है? नाउन होता है। तो इस तरह जेरंड होने के कारण ये नॉन फाइनाइट हो गई, इसलिए पूरे सेंटेंस में ही वॉज रेस्टिकेटेड, यहां पर हमारे एक फाइनाइट वर्ब है और यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो एक सेंटेंस के अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब है, एक नॉन फाइनाइट भी साथ में हो सकती है। तो इस प्रकार ही वॉज रेस्टिकेटेड फॉर ब्रेकिंग द स्कूल विंडो, इस तरह हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, हर हस्बैंड डाइड, सी हियर द न्यूज, सी फेंटेड। हमने बताया था कि दो से ज्यादा भी सेंटेंस हो सकते हैं, तो यहां देखिए तीन सिंपल सेंटेंसेस है। पहला है हर हस्बैंड डाइड, सेकेंड है सी हियर द न्यूज एंड थर्ड है सी फेंटेड। ठीक, तो यहां देखिए हर हस्बैंड डाइड, सी हियर द न्यूज, सी फेंटेड। तो यहां भी केस इफेक्ट हुआ, हर हस्बैंड डाइड, सी हियर द न्यूज, उसके पति की मृत्यु हुई, उसने यह खबर सुनी, सी फेंटेड, वह मूर्छित होकर गिर गई। तो यहां पर इफेक्ट क्या हो रहा है? वो मूर्छित होकर गिर गई, और यहां पर मूर्छित होकर क्यों गिर गई? क्योंकि नहीं, वो न्यूज सुनी, सी हियर द न्यूज, यानी उसका केस क्या था? सी हियर द न्यूज। तो यहां हियर को हम क्या करेंगे? जेरंड में चेंज करेंगे और इसके पहले हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, लेकिन यहां फोर का यूज नहीं होगा, वहां पर ऑन का यूज करते हैं। तो सी हियर द न्यूज, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां सी को, यहां से हम कर देंगे गायब, निग्लेक्ट कर देंगे। हियर जो हमारी हियर है, इसे हम जेरंड में चेंज कर लेंगे। अभी हमने आपको बताया जिसमें केस होता है, कारण होता है, सी फेंटेड, वो ये परिणाम है। और क्यों उसे मूर्छा क्यों आई? ही हियर द न्यूज, क्योंकि उसने न्यूज सुनी, और फिर न्यूज क्या थी? हर हस्बैंड डाइड। तो यहां हियर को हम हियरिंग में चेंज करेंगे, लेकिन उसके पहले हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग। इस सेंटेंस को हमने लिख लिया, हर हस्बैंड डाइड, इसे हम चेंज कर लेंगे ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड
हर हस्बैंड्स डेथ, सी फेंटेड, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड। अब यहां जो तीनों सेंटेंस थे उन तीनों का सेंस, उन तीनों की मीनिंग इस सेंटेंस से मिल रही है। हर हस्बैंड डाइड, उसके पति की मृत्यु हुई, उसने यह समाचार सुना और वह बेहोश हो गई, इन तीनों का ये मतलब था। अब तीनों को एक करके जब एक सेंटेंस बनाया गया, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड, इसका भी वही मतलब है, पति की मृत्यु की खबर सुनकर वह मूर्छित हो गई। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी, वो है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव कंस्ट्रक्शन या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या नॉमिनेटिव कंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वो सब्जेक्ट होता है जिसका वर्ब के अंदर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी वर्ब को वो प्रभावित नहीं करता है। साथ ही एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि उन दोनों सेंटेंस के अंदर भी केस इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट होना चाहिए। अभी हमने यहां क्या देखा, ही वॉज रिस्ट्रिकेटेड, ही हैड ब्रोकन द स्कूल विंडो, एक में केस बताया गया, दूसरे में इफेक्ट बताया गया, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट सेम था। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, द ऑफिस कॉट फायर, ऑल द फर्नीचर बर्न टू एसेस, तो यहां द ऑफिस अलग सब्जेक्ट है और ऑल द फर्नीचर बर्न टू एसेस अलग चीज है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इस तरह की जब कंडीशन हो, केस इफेक्ट हो, लेकिन दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग हो, साथ ही किसी एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी वर्ब में उस सब्जेक्ट का प्रभाव ना हो, यानी उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, जो वर्ब हो रही हो सब्जेक्ट द्वारा नहीं की गई हो। कैसे, द ऑफिस कॉट फायर, यहां इस द ऑफिस कॉट फायर ये हमारा पहला एक सिंपल सेंटेंस है, तो यहां द ऑफिस क्या है, सब्जेक्ट है, कॉट फायर यहां पर क्या है, वर्ब है, यानी ऑफिस में आग लगी, लेकिन ये आग जो है ऑफिस के द्वारा नहीं लगाएगी, ऑफिस में लगी ठीक है लेकिन ऑफिस के द्वारा नहीं लगाएगी, यानी यहां पर जो कार्य है वो सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया गया। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच, यहां द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, यहां जो द मूवी है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, मूवी इंटरेस्टिंग थी, यहां पर मूवी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम फ्रेम करने के लिए भी पार्टिसिपल का ही यूज करते हैं, लेकिन अगर बीइंग वर्ब यूज हुई हो तो हम बीइंग का यूज करते हैं, और अगर बीइंग वर्ब ना हो तो हम पार्टिसिपल में हैविंग का और इस तरह हम यूज करते हैं। तो आइए हम उन्हें देख, आइए इन सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं कि इन्हें कैसे फ्रेम करना है। तो इन्हें फ्रेम करने के लिए जिस सेंटेंस में केस होता है यानी कारण बताया जाता है उसे हम पार्टिसिपल में चेंज कर लेते हैं, और पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट होता है, और सेकंड सेंटेंस को हम वैसे ही लिखते हैं। यहां द ऑफिस कॉट फायर, इसे हम चेंज कर लेंगे द ऑफिस हैविंग कॉट फायर। अब यहां देखिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हमारी पार्टिसिपल होती है, परफेक्ट पार्टिसिपल होती है। तो द ऑफिस हैविंग कॉट फायर, इतना करने के बाद दूसरा सेंटेंस हम एज इट इज लिख देंगे, ऑल द फर्नीचर बर्नड टू एशेस, तो ध्यान रखिएगा दोनों में केस इफेक्ट होना चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट होना चाहिए, और उसका सब्जेक्ट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होना चाहिए, सब्जेक्ट के द्वारा किसी एक सेंटेंस में कार्य नहीं किया गया हो फिर भी वो सब्जेक्ट हो। दूसरा देखते हैं, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच। अब यहां देखिए वॉज यूज हुई, वॉज क्या है, बींग वर्ब है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है इस पार्ट का तो आपको अच्छी तरह क्लियर होगा, नहीं तो इसके बाद आप वो वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, इसे हम कर देंगे being the movie being interesting, इसे इस प्रकार से हम चेंज कर लेंगे, so the movie being interesting, be enjoyed it a be enjoyed it very much।
यहां देखिए द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग वी एंजॉयड इट वेरी मच, दोनों में केज इफेक्ट था, द मूवी वी एंजॉयड इट वेरी मच, हमने इसे बहुत ज्यादा एंजॉय किया, ये क्या था रिजल्ट था, क्यों हमने एंजॉय किया क्योंकि मूवी बहुत इंटरेस्टिंग थी, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग यानी मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने के कारण हमने इसे एंजॉय किया, तो इस तरह केज इफेक्ट होता है। तो ये था आज का वीडियो, यहाँ पर हमने सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस के रिगार्डिंग सारे रूल्स को डिस्कस कर लिया है, अब इसके आगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सिंथेसिस हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।